हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरीम ब्लॉग और ये है रमज़ान डे 14। और यार 14 रमज़ान है और आज 14th रमज़ान है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कितनी जल्दी गुजर रहे हैं। और अभी सहरी आने में काफ़ी टाइम है और मैंने सब कुछ अपनी अफ्तारी ख़त्म कर ली। बट मैंने ना एक होममेड चीज़ बनाई है, वो है ये जंक कुक की किचन। मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। मैंने घर पे होममेड ये जंक कुक की किचन बनाई। यार आपको पता है मुझे क्राफ्ट करना कितना पसंद है, प्लस BTS का क्राफ्ट करना, ओ हो भाई मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ये जंक कुक बनाई है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक ब्लैक कार्ड शीट को कट कर लिया। फिर मैंने ना क्या करा, एक वाइट पेपर में ना जंक कुक लिख दिया इस तरीके से। फिर पिंक कलर ऐड कर दिया और फिर इसको इस तरीके से कट कर लिया। फिर इसके ऊपर सेलो टेप चिपका दिया आगे पीछे और फिर मैंने इसको डबल साइड टेप से स्टिक कर दिया। फिर पूरे से सेलो टेप से कवर कर लिया एंड देन फिर पंच कर दिया यहाँ पर और फिर मैंने किचन अटैच कर ली। और ये कितनी ईजी और कितनी प्यारी लग रही है ना यार। पहले तो मैं अपनी बहन को देने वाली थी, मेरी बहन का बायस जंक कुक है, पर फिर मैंने सोचा मेरा दिल पिघल गया तो मैंने ही ले ली। मैंने इसको दूंगी, बहुत प्यार लग रही है यार, अब भी इसको सरप्राइज़ दूंगी मैं। तो चलिए जब तक सहरी आती, जब सहरी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। स्टे ट्यून। तो ये है हमारी सहरी और अभी चाय और दही आना बाकी। मैं बताना चाहती हूँ कि जो कि मैं कल स्कूल जाऊँगी तो थोड़ा सा वॉक वैसा होगा, मैं कोई फ्रेंड नहीं बना दूँगी। और अब मैं सहरी करने के बाद आपको मिलती हूँ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मम्मा किचन में तैयारी कर, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है रमज़ान डे 14 और अभी मम्मा तैयारी करी, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या क्या कर रही है। अभी थोड़ी लिटिल लिटिल स्टार्ट हुई है। नगेट्स बना लिए, क्या वो खोल नहीं रही थी, तैयार करती है। और ये आलू और ये सब कुछ मम्मा सब करें, तब बहुत अच्छी लग रही है वाली। मैंने कुछ इतना लगा लिया है बाहर, मम्मा ने अभी कुछ इतना तल लिया है और वहाँ पर भी अभी तल रहे हैं सब कुछ। जब मम्मा सब तल लेंगी तब मैं आपको अच्छी अच्छी बात नहीं बताई थी, मैं आज की अच्छी बात बता रही हूँ कि दो चीज़ें हैं जो आपका बहुत बहुत ज़्यादा ही पीछा करी, वो है एक आपका रिस्क और एक आपकी मौत। तो वो चीज़ ये है कि आपका जो रिस्क है वो जो भी अल्लाह ताला ने लिखा है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगा, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी आपका आपके तक पहुँच रहेगा। और दूसरा आपकी मौत, आपकी मौत आपके पास पहुंच कर रहेगी, चाहे आप जितना भाग लें आपके पास आपकी मौत रहेगी। और आप कहेंगे कि अगर हमारा रिस्क हमारे पास, अब जैसे कि कुछ लोग पहले ही मर जाते हैं तो उनके रिस्क में जैसे कि उनको जैसे कुछ भी नसीब नहीं हो पाता तो उनके रिस्क में लिखा ही नहीं होता। तो आज की कैसी बात आपको अच्छी लगी टू कमेंट। और अभी सहरी और चेरी को भी आपसे बात करनी, अभी स्टेट तल रही है और अभी मैं आपको सहरी और चेरी से बात करूँगी। तो ये मोहतरमा बैठी हुई है। अच्छा तो अब पहले चेरी से बात कराएंगे। चेरी क्या बात करनी है? तो गाइस मुझे आप लोग का प्यार बहुत सारा चाहिए, तो डू लाइक और डू कमेंट और बेल बटन भी दबा ही देना। सहरी तुम भी कुछ बोलो। हाँ तो चेरी आप बोलो, मुझे भी आप सबका प्यार चाहिए और प्लीज़ मुझे अपना प्यार दे दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखा दोनों ने बात कर लिया, अब देखते हैं कि मम्मा ने कितना तल लिया। मैंने तो तल लिया और ये मम्मा ने इनको पकौड़ बनाया और अभी सब कुछ तल लिया मैंने और शायद इसमें और है अभी। और अब यहाँ पता नहीं और क्या चीज़ आएगी, तो देखते क्या आता है। और ये वाले पकौड़े आएंगे जब ये सब आ जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। स्टेट हमारी चाट भी आ गई है, मम्मा स्पेगेटी इसमें डालेंगी और वहाँ अभी तक तैयार है, बाकी आना रहता है। ये दोनों प्लेटें फिल हो चुकी हैं और अभी अंदर सारा सामान रखा जाएगा, तो जब तक रख देंगी तब मैं आपको पूरी अफ्तारी दिखाऊंगी। अफ्तारी भिजवा रहा है और ये है हमारी पूरी अफ्तारी, अभी दो ग्लास पानी का आना रहता है। स्टेट ये देखो, हाथ देखो मेरे। तो ये है मेरी प्लेट लगा पसंद है इसका। अब मैं अफ्तार के बाद मिलूंगी, बाय बाय।
लाइक हमारा रमजान डे 14 भी बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया और अब 15 की तैयारी हो रहा है। आपको सीरीज पसंद आ रही है तो डू कमेंट और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।